आज की वीडियो में बात करेंगे आप कुकॉइन से कैसे कॉइन DCX के अंदर फंड ट्रांसफ़र करोगे। आपको कुकॉइन के अंदर बहुत सारे एयर ड्रॉप और बहुत सारे रिवॉर्ड वगैरह मिलता है, तो उन सारे पैसे को कैसे आप कॉइन DCX के अंदर ट्रांसफ़र करोगे कम फी के अंदर, सारे सब कुछ आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा। तो वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा जो कि हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना अगर आपको कुकॉइन से कॉइन DCX के अंदर क्रिप्टो ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कुकॉइन को ओपन कर लीजिए और आपके पास जो भी टोकन जो भी कॉइन है वो जो कि सारे कॉइन को आपको सेल करना है, ठीक है। सेल करने के बाद आपको जो कि एक कॉइन बाय करना है जिसका नाम है एक्सेलेम स्टाइलर। तो देखो मेरे पास जो कि 38 एक्सेलेम है, आपको भी इस टोकन को परचेस करना है मार्केट पे आके। आपके पास जो भी टोकन है उनको सेल करके USDT कर लेना है या फिर जो कुकॉइन का ऑफिशियल कॉइन है KCS उसको अंदर कन्वर्ट कर लेना है। उसको यहाँ पर XLM सर्च करके USDT के अंदर जाके आपको जो कि बाय कर लेना है, ठीक है। अगर कुकॉइन का टोकन अगर आपके पास है तो उससे आप XLM टू कुकॉइन KCS के अंदर जाना है और यहां पर बाय कर लेना है। तो जितने भी फंड है आपके पास सारे फंड को यूज करके आप XLM स्टाइलर टोकन को परचेस कर लीजिए। परचेस कर लेने के बाद एसेट के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपका टोकन शो होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास XLM है 38, तो इनको जो कि मैं ट्रांसफर करके दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा कॉइन DCX के अंदर। कॉइन DCX ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर माई इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ऊपर सर्च बार, तो सर्च बार के ऊपर लिखना है XLM लिख के सर्च करना है। आपके सामने स्टाइलर लुमिनस आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको राइट साइड ऊपर ट्रिपल डॉट मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करना है और रिसीव स्टाइलर लुमिनस इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर यस आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कीवर्ड कोड वॉलेट एड्रेस एंड XLM टैग जो कि सारे सब कुछ आ जाएगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले जो कि वॉलेट एड्रेस को कॉपी कर लेना है। वॉलेट एड्रेस को कॉपी करने के बाद फिर से आपको कुकॉइन के अंदर जाना है और कुकॉइन के अंदर यहाँ पर एसेट के अंदर आना है। एसेट के अंदर आने के बाद ऊपर आपको विथड्रॉल का ऑप्शन मिलेगा, विथड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है और आप कौन सा कॉइन विथड्रॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं जो कि XLM करना चाहता हूँ क्योंकि XLM पर बहुत ज़्यादा कम फी लगता है, यहाँ पर सबसे कम फी यहाँ पर XLM के अंदर पड़ेगा, इसलिए आपको मैं XLM टोकन परचेस करने के लिए बोला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो XLM का जो फी है यहाँ पर देखिए 0.02 XLM, तो यहाँ पर एक रुपये के आसपास जो कि यहाँ पर फी कटेगा, एक रुपये से भी कम 18-19 पैसा जो कि यहाँ पर कटेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर वॉलेट एड्रेस को डालना है जो आपने कॉपी करके ले आया था। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्क देखिए, नेटवर्क यहाँ पर स्टाइलर लुमिनस यही रहेगा, ठीक है, कुछ अलग मत चेंज करना। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए मेमो मांग रहा है, तो मेमो आपको कहाँ पर मिलेगा फिर से जाना पड़ेगा कॉइन DCX के अंदर और यहाँ पर देखिए XLM टैग, टैग और मेमो एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर सबको कॉपी करना है और जाना है आपको कुकॉइन के अंदर और यहाँ पर मेमो के अंदर यहाँ पर टैग को पेस्ट कर देना है। उसके बाद विथड्रॉल अमाउंट बोल रहा है, तो यहाँ पर मिनिमम जो कि 10 XLM ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 10 XLM बहुत ही कम होता है, XLM का प्राइस उतना ज़्यादा नहीं, 16 रुपये के आसपास जो कि XLM का प्राइस है। तो यहाँ पर 160 रुपये 180 रुपये के आसपास जो कि आपका विथड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो कि 12 XLM विथड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैक्स करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 38 है, तो यहाँ पर मैं 12 XLM आपको विथड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो विथड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया और रीमार्क बोल रहे, रीमार्क पे आपको लिखना है कॉइन DCX, ठीक है, कॉइन DCX लिख देना है और यहाँ पर नीचे आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करिए। तो कन्फर्म करते यहाँ पर फिर से जो कि कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका मेमो और एड्रेस फिर से आएगा, एक बार आप मिला भी सकते हो सही है या फिर गलत। अगर गलत डालोगे तो आपका मेमो जो कि है आपका जो कॉइन है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कि बोल रहे ट्रेडिंग पासवर्ड, तो कौन सा ट्रेडिंग पासवर्ड है वो डालना पड़ेगा। उसके नीचे जो कि यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड, तो वेरिफिकेशन कोड आपका मोबाइल नंबर के अंदर जाएगा और यहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड आप यहाँ पर डाल दिए, तो दोनों यहाँ पर मैं डाल देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने दोनों डाल दिया। अगर आपका ट्रेडिंग पासवर्ड सेट नहीं है तो आप ट्रेडिंग पासवर्ड पहले सेट कर लेना, ठीक है। ट्रेडिंग पासवर्ड जो कि 6 डिजिट का पासवर्ड होता है, आप सेट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर विड्रॉ करोगे तो आपका ट्रेडिंग पासवर्ड यहाँ पर डालोगे, वेरिफिकेशन कोड मोबाइल नंबर के अंदर आ जाएगा, वो डाल दोगे और यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका विड्रॉल जो कि सक्सेसफुली हो जाएगी। यहाँ पर से देखिए आप, मेरा जो एक्सलिम टोकन है वो यहाँ पर से कट जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा मतलब यहाँ पर टाइम लगता है, तो 1-2 मिनट वेट करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कॉइन डीसीएक्स के अंदर पहुँचा या फिर नहीं। और यहाँ पर एक्सलिम के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, विड्रॉल के अंदर जाओगे तो आपका यहाँ पर जो कि हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग पे दिखाई देगा जो आपका एक्सलिम विड्रॉ किया वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग के अंदर है अभी, तो अभी मैं जाऊंगा कॉइन डीसीएक्स के अंदर और यहाँ पर जो कि 1-2 मिनट में वेट करूंगा उसके अंदर मेरे पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर पहुँच भी चुका है, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 12 एक्सलिम अभी का भी डिपॉजिट हुआ है, ठीक है। टाइम भी आप एक बार देख लेना, 5:06 पे अभी डिपॉजिट हुआ है। तो आप भी कुछ इस तरीके से जो कि कॉइन डीसीएक्स के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो कुकॉइन से। अगर आपके पास कुकॉइन के अंदर कुछ अमाउंट है तो उसको आप कुछ इस तरीके से डिपॉजिट करोगे बहुत कम फी के अंदर, और थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, 150 रुपये के आसपास जो कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है बहुत ही आराम से। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया और वीडियो देख के थोड़ी सी भी हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जो कि आप थोड़ा बहुत शेयर भी कर देना।